दोस्तों, गंजाम ओडिशा के प्रमुख जिलों में से एक है। गंजाम बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है तथा यहाँ कई खूबसूरत समुद्री तट हैं, इसीलिए साल भर यहाँ पर्यटक का आना जाना लगा रहता है। गंजाम में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे ढोल यात्रा, तायतेणी मेला, दंडा यात्रा तथा ठाकुरानी यात्रा के दौरान देश के विभिन्न भागों से भक्तों की भारी भीड़ यहाँ आती है। पत्थर की नक्काशी, बांस शिल्प, लकड़ी की नक्काशी, एप्लिक्स और पीतल के डिजाइन जैसे उत्कृष्ट हस्तशिल्प जिले की शोभा को और बढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ट्रैवल करने वाला। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं गंजाम जिला की 10 प्रमुख पर्यटन स्थान के बारे में बताऊंगा। बने रहो हमारे साथ वीडियो की एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में पहली बार वीडियो देखने आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर सेट कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं गंजाम में घूमने की खास जगहों के बारे में। नंबर 10 पर आता है गोपालपुर सी बीच। गोपालपुर सी बीच ब्रह्मपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोपालपुर तट दोस्तों और परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताने के लिए अच्छा स्थान है। यहाँ प्रकृति के सभी रंग देखने को मिलते हैं। इस तट को भारत के कुछ प्रमुख तटों में से एक माना जाता है, जहाँ आकर पर्यटक मस्ती कर सकते हैं और जीवन की सबसे अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ आकर पर्यटक कई प्रकार के गेम जैसे घुड़सवारी, क्रूजिंग, बॉडी मसाज और अन्य में से हिस्सा ले सकते हैं। इस तट में भ्रमण के दौरान सबसे अच्छी बात यहाँ का सूर्यास्त देखना होता है, जो आपके रोम रोम को एक नई ऊर्जा से भर देता है। नंबर 9 पर आता है माता तारातारिणी मंदिर। स्थान ब्रह्मपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल्या नदी के किनारे रहे पुण्यगिरी पहाड़ के ऊपर स्थित है। ये भारत के 52 शक्तिपीठों में से अन्यतम है और यहाँ सती के स्तन गिरने की दावा किया जाता है। यहाँ माँ तारा और माँ तारिणी को आदिशक्ति के रूप में पूजा किया जाता है। भारत में रहे हुए 52 शक्तिपीठों में से 4 को तंत्रपीठ की मान्यता दिया जाता है। माँ तारा तारिणी इन्हीं 4 तंत्रपीठों में से एक है। हर साल हिंदू पंचांग के चैत्र के महीना में विशेष रूप से मंगलवार के दिन भारी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक धार्मिक महत्व का दिन है। यहाँ बना राजस्व निरीक्षण बंगला इस क्षेत्र में पर्यटक के लिए उपलब्ध एकमात्र आवास स्थान है। नंबर 8 पर आता है आर्यपल्ली सी बीच। ये स्थान गंजाम के जिला मुख्यालय छतरपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक समुद्र तट है। आर्यपल्ली बीच अपने ऊर्जादायक मौसम के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर से पर्यटक यहाँ इसकी ओर खींचे चले आते हैं। सूरज के प्रकाश के प्रतिबिंब से सुनहरे भूरे रंग की दिखने वाली ये रेत इस स्थान की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। ये रेतीले समुद्र तट के साथ गहरे नीले समुद्र का विहंगम दृश्य बड़ा शांत और आराम प्रदान करने वाला वातावरण प्रस्तुत करता है तथा यहाँ आने वाले लोगों को तनाव से मुक्त करके उनको तरोताजा कर देता है। नंबर 7 पर आता है तप्तपाणी हॉट स्प्रिंग वाटर। ये स्थान ब्रह्मपुर को पश्चिम ओडिशा के साथ जोड़ने वाली राज्य राजमार्ग पर स्थित है। पहाड़ियों और घने जंगलों के एक समूह द्वारा घिरा हुआ ये स्थान प्रकृति की शांति, सूर्योदय, सनसेट, चंद्रमा की रात, आदिवासी नृत्य और संगीत, पक्षियों के चीर और जंगली जानवरों के लिए जाना जाते हैं। ग्रुप पिकनिक और रिलैक्सेशन के लिए ये स्थान गंजाम जिला में सबसे आगे है। नंबर 6 पर आता है उमुरी टांपरा लेक। ये स्थान गंजाम की जिला मुख्यालय छतरपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर 5 नंबर जातीय राजमार्ग में स्थित है। अगर आप जल क्रीड़ा में रुचि रखते हैं तो ये स्थान आपके लिए एक सुनहरा मौका है। अपनी बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकल कर फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ आकर कुछ वक्त बिताना चाहिए। नंबर 5 पर आता है जौगढ़ किला। ब्रह्मपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है
ये स्थान मौर्यकालीन एक प्राचीन किले के खंडहर की मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है। मौर्यकाल से संबंधित कई प्रस्तर शिलालेख यहाँ स्थित है। जौगढ़ ऋषि किला के तट पर स्थित है। किले संभवत आकार में आयतकार लगता है, जो किले के आसपास मिले सबूतों से स्पष्ट होता है। किले की दीवार और टावर मिट्टी के बने थे, जिसके अवशेष अभी भी यहाँ मिलते हैं। प्रस्तर नक्काशियों वाले कई शिलालेख भारतीय पुरातन सर्वेक्षण का ध्यान आकर्षित करते हैं। नंबर चार पर आता है निर्मलीझार। निर्मलीझार खलीकोट से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये स्थान यहाँ स्थित परिसर के लिए प्रसिद्ध है, तथा इस परिसर में भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ, देवी विमला, राधा कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणेश और सूर्य देवता को समर्पित है। पदघटी पर्वत से 12 मास नीचे उतरता नदी का जल एक स्थान पर इकट्ठा होता है, जो बिल्कुल निर्मल और साफ है। इसीलिए इसे निर्मलीझार अर्थात शुद्ध जल कहते हैं। निर्मलीझार की अधिष्ठात्री देवी विमला देवी है। यहाँ एक भगवान विष्णु के मंदिर की दीवार पर की गई उच्च गुणवत्ता वाली कारीगरी चमत्कृत कर देती है, जबकि अन्य मंदिरों में मूर्तियाँ और नक्काशी महाभारत की कहानियों को दर्शाती है। आगंतुक आमतौर पर पूल के साथ और ठंडे पानी में स्नान लेने के लिए गर्मियों के दौरान इस जगह पर आते हैं। नंबर तीन पर आता है पंचमा सिद्धि विनायक मंदिर। पंचमा छतरपुर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस जगह की प्रसिद्धि सिद्धि विनायक मंदिर की उपस्थिति से है। मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति है, जिसे एक पीतल के पेड़ के नीचे वर्षों से पूजा की जाती है। हर साल विनायक शुक्ल चतुर्थी की पूर्व संध्या पर विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों से काफ़ी संख्यक श्रद्धालुओं की आगमन होता है। नंबर दो पर आता है मोहरी कोलुआ शक्तिपीठ। ये स्थान छतरपुर से 37 किलोमीटर तथा ब्रह्मपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर देवी मोहरी कोलुआ को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि मोहरी के राजा ने उनकी पूजा की थी। लोक कथाओं के अनुसार देवी को पहले एक गुम्फा के अंदर स्थापित किया गया था, जहाँ केवल राजा पहुंच सकता था तथा जो किसी भी स्थानीय लोगों की पहुंच से परे था। देवी ने एक बार राजा को एक तलवार दी थी, जिसने उसे आने वाले सभी खतरों से बचाया, लेकिन एक दिन तलवार खो गई तथा राजा को अंग्रेजों ने हरा दिया। तब से देवी को पहाड़ियों पर स्थित तलहटी पर मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। मंदिर पहाड़ियों के नज़दीकी घने जंगल के बीच स्थित है। पहाड़ियों पर कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई है, जो आगंतुकों को गुम्फा में मंदिर तक पहुंचने के लिए सहायता करती है। इस स्थान पर्यटक के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट बन गया है। नंबर एक पर आता है ऋषिकुल्या रोती में ऑलिव लिडले कछुए प्रजनन केंद्र। हर साल करीब 5 लाख से ज़्यादा ऑलिव लिडले कछुए हजार मील दूर प्रशांत महासागर से बंगाल की खाड़ी अंडे देने आते हैं। हर साल फरवरी महीना की तीसरे हफ्ते से लेकर मार्च महीना पहले हफ्ते तक लाखों की तादाद में कछुए अंडे देने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं।